अब बात करते हैं हम जुवेद मियां दाद की। अब जुवेद मियां दाद नादर अली के शो में बैठा हुआ था, इससे पूछा गया इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान एशिया कप खेलने आ रहा इस नाके से। अच्छा तेरे से जो बात पूछी गई है कंजर के बच्चे वो बात बताओ, आगे से बकवास किए जा रहा है बैठ के। जब तक पीएम मोदी जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहेगा तब तक तो कतन तौर पे इंडिया नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान आए। इस तरह की फजूल बातें कर रहा है बैठ के, जबकि इसको किसी बात का ऑथेंटिक तरीके से पता ही नहीं है कि कौन सी बात किस बात से रिलेट कर रही है। हर बात को अपने तरीके से रिलेट किया जा रहा है, मतलब कह रहा है जी इंडिया तब तक पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आएगा ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा। ये जिहादी जो है ना सोच है, ये वो सोच है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई आप तो निकलते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे तो इमरान खान साहब के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, सर पे कफन बांध के हम निकल रहे हैं, हम तो इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। भाई ठीक है नहीं खेलते तो यार बिल्कुल भाड़ में जा, भाड़ में तो मतलब यार आप अपना जाओ जो करना है करो भाई। मुझे हंसी आ रही है, मैं हंस भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो चल रही है और हंसी रोक भी नहीं सकता हूँ। लाहौरी चूरो पाकिस्तान में ये बात तो तय शुदा ना कि जिन लोगों को फेम नहीं मिल रहा होता वो इंडिया के ऊपर कोई गंदा किस्म का स्टेटमेंट देते हैं, फिर वो न्यूज में आ जाते हैं, फिर उनके इंटरव्यूज होते हैं और उन इंटरव्यूज से उनको पैसे मिलते हैं, उनके घर का खर्चा चलता है। आप एग्जाम्पल ले ले रमीज राजा की ले लें, आप इस जुवेद मियां दाद की ले लें, जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनको कोई नहीं पूछता फिर वो स्टेटमेंट देने शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियर पावर हमने ऐसे ही नहीं देखना, हमने चलाने के लिए रखा हुआ, हमें मौका चाहिए और हम साफ कर इजीली। जब तक जो पीएम मोदी रहेगा मतलब वो जुल्म करता है, वो ये करता है, वो करता है, फजूल बातें इसने नादर अली के शो में बैठ के किया। और इसने नादर अली के शो में बैठ के एक और बात भी किया जिसमें इसने बोला कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत बड़ा मुल्क है, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है। और नहीं सॉरी इसने बात किया पाकिस्तान की, मैं लाइन थोड़े आगे पीछे कर रही हूँ, इसने बोला कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत बड़ा मुल्क है, हमें इंडिया की जरूरत नहीं है, हम इंडिया से बहुत आगे जा चुके हुए हैं। आपको मेरी बात भी नहीं ना यकीन तो जाके नादर अली का शो निकाल के देखा। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान फॉर एशिया कप और टीम इंडिया में इंडिया के पास आना पड़ेगा इंडिया में पाकिस्तान को, ये न्यूज मैंने आप लोगों को बताई थी। तो भाई ये न्यूज जब पाकिस्तान में पता चला कि भाई आईसीसी ने हमें थप्पड़ मार दिया है और बीसीसीआई ने भी हम पे दबाव डाला है कि अब हमें इंडिया जाना पड़ेगा और इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान, तो भाई ये सुनने के बाद बिकारिस खान के जो मीडिया एक्सपर्ट्स थे कुछ तो रोने लगे कि भाई यार इंडिया हमेशा हमें दबाने की कोशिश करता है, हमारी लेता रहता है, मतलब हमें हर जगह नेग्लेक्ट करता रहता है। अच्छा 90% लोगों ने तो कहा चलो ठीक है भाई हमारे सिक्योरिटी इशूज भी हैं तो इंडिया नहीं आ रहा, ये फेयर फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इंडिया चले जाएंगे और एशिया कप चाहे जहां इंडिया चाहेगा करवा लेगा, चाहे पाकिस्तान आए या न्यूट्रल वेन्यूज में करवाए, तो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन भाई ये जावेद मियां दाद मतलब लगातार इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहा है और उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, मतलब यार क्या धमकियां देता फिर रहा है इंडिया को कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मतलब मैं बोल नहीं सकता कि इस बंदे ने इंडिया को क्या क्या बोला, लेकिन यार एक निहायत ही गंदा और कुत्ता किस्म का आदमी है, मतलब औकात तो इनकी लुल्ली बराबर भी नहीं है, इतनी भी नहीं है इनकी औकात इंडिया के सामने। और बोलते हैं यार नादर अली का शो निकाल के वो बात कर देख लो जाके जिसमें इसने फजूल बकवास किया बैठ के कि जी नहीं जो है वो इंडिया पाकिस्तान से छोटा मुल्क है, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, हम इंडिया के हमें इंडिया की नहीं जरूरत, इंडिया हमें हमारे प्लेयर्स के जो है वो हमारे कंट्री के प्लेयर्स को नहीं आईपीएल खेलने देता। एक इंसान होता है बगैरत, एक होता है महाबगैरत, एक होता है एक्स्ट्रा प्रो मैक्स लेवल किस्म का बगैरत, वो इंसान है जुवेद मियां दाद। यार कभी कुछ स्टेटमेंट दे देता है, कभी कुछ स्टेटमेंट दे देता है, और इसके स्टेटमेंट मांगता कौन है, मुझे वो बंदा ला के दो, वो बंदा है। अब इसने जो लेटेस्ट अपना इंटरव्यू दिया वो दिया नादर अली के शो में, जिधर इसने बैठ के फजूल किस्म की बकवास किया इंडिया को लेके, इंडिया के पीएम मोदी को लेके, एशिया कप को लेके फजूल बकवास किया इसने, और हर इसकी बकवास में इंडिया मस्त आता है। अब हम कौन सा खा नहीं रहे, हमारे पास उनसे ज्यादा अच्छे प्लेयर है, हमारे पास बाबर आजम घंटा है, मुझे बता दे बाबर आजम घंटा विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, बता ना मुझे जरा, मैं आपसे भी पूछता हूँ, जो मुझे देख रहे हो ना मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, एक घंटा विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है बताओ मुझे, ये बड़ा प्लेयर है, वो किंग ऑफ क्रिकेट पिछले 15 सालों से डोमिनेट कर रहा है किंग वर्ल्ड क्रिकेट पे, उसकी एवरेज तो निकाल कर देख लो तो बाबर आजम साहब बच्चा लगेगा उसके आगे। बाबर आजम की बात नहीं कर रहा, अब फिर लोग मुझे कहते हैं तू हर बात में बाबर आजम को ले आता है, अब अगर अगला बंदा बाबर आजम की बात करेगा तो फिर मैंने बाबर आजम को लेके आना या नहीं लेके आना, अब आप मुझे बता दो बाबर आजम जो है वो ठीक है या जिस तरह का प्लेयर है, मैं बाबर आजम के ज्यादा फिर बात नहीं करूंगा, लोग फिर नीचे से गालियां निकालने शुरू कर देते हैं, फिर तेरी वीडियो का टॉपिक कोई और होता तो अंदर बाबर आजम को ले आता। अब बाबर आजम का कैरियर उठा के देख लो, विराट कोहली का उठा के देख लो,
बाबर आजम का मुझे पता है कि उसके जब भी रन निकलते हैं उसमें पाकिस्तान हारता है, विराट कोहली के जब भी रन निकलते हैं इंडिया जीता है। ये मैं नहीं बता रहा, ये गूगल पे जाके स्टैट भी लिखे हो, जाके निकाल लो, बेशक किसी को मेरी बात में नहीं यकीन। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है क्रिकेट का विराट कोहली, उसके तीनों फॉर्मेट में उसकी एवरेज निकाल के देख लो, उसके विनिंग रन निकाल के देख लो, चेज में वो मास्टर है। मुझे बता दो कब उसने चेज में मास्टर क्लास अच्छी अच्छी टीम के खिलाफ, जिम्बाब्वे वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं। तो यार ये बात अब जिस बात का आपका किसी बात के साथ लॉजिक ना बनता, फजूल बकवास नहीं कहनी चाहिए कभी जी। पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा तब तक इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, वो तो चाहता ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के तलकात अच्छे हों, हमें इंडिया की नहीं जरूरत, इंडिया भाड़ में जाए, नहीं वर्ल्ड कप नहीं एशिया कप खेलने आता तो भाड़ में जाए, हम इंडिया के बगैर भी एशिया कप खेल लेंगे। आप इंडिया के बगैर एशिया कप तो खेल लोगे, एक और बात है, आप इंडिया के बगैर एशिया कप तो खेल लोगे, आप इंडिया के बगैर शायद एशिया कप जीत भी जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया ऐसी बात है वो टीम जिसने सबसे ज्यादा एशिया कप जीते हुए हैं, वो इस किसी कंपटीशन में होगी नहीं, तो ऑब्वियसली बात आप एशिया कप तो जीत जाओगे, आप इंडिया के बगैर एशिया कप तो जीत लोगे, लेकिन बात वही हो जाएगी ना कि आपको किसी ने मुतमिन खान के पीछे से उंगल दी है, फिर वो वाला साफ कर लोगे ना आप लोग। इंडिया के बगैर क्रिकेट खेल, मतलब मुझे बता दो आप इंडिया से जीते हैं नहीं, अब इंडिया जिस टूर्नामेंट में नहीं होगा वो टूर्नामेंट जीत जाओगे तो क्या उसका क्या फायदा होगा, मुझे बता दो। एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडियन फैंस, हम ये मकसद थे पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट ज्यादा हो, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट ज्यादा हो, ये बात नहीं कह रहा कि इंडिया पाकिस्तान को हराया या पाकिस्तान इंडिया को रहे, वो सबको पता है कि इंडिया ने ज्यादा बार पाकिस्तान को हराया हुआ है, ठीक है ना, वर्ल्ड कप मैचेस में पाकिस्तान नहीं जीता, वो क्या सीधा बात है, वो रियलिटी बेस्ड बात है, जिसको नहीं एक्सेप्ट करनी वो भाड़ में जाए, मेरी तरफ से वो भी भाड़ में जाए ना। ऑब्वियसली बात इंडिया बेस्ट टीम है, इंडिया बेस्ट टीम नहीं, इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, वो T20 में वन पे है, वनडे में वन पे है, टेस्ट में नंबर दो पे है, वन पे है, तो यार WTC के फाइनल में बैक टू बैक दूसरी बार क्वालिफाई करके जा रही है, तो इससे बेहतर टीम आपको कहां मिल सकती है। फजूल बात करना, विदाउट लॉजिक बात करना, कि जिस बात में कोई लॉजिक नहीं पाया गया जा रहा हो। अब एक और बात है, नजम सेठी ने यह बात मान लिया कि हम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाएंगे, ऑब्वियसली बात है जब आईसीसी ने पिछले डंडा दिया ना, अगर नहीं जाओगे ना तो फिर नुकसान हो जाएगा, फिर आपको इंटरनेशनल पैनल से निकाल देंगे, आपकी टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट का वो कहते हैं ना कि वो लोगों नहीं मिलेगा, तो फिर जारी सी बात है फिर जाना पड़ेगा, और वैसे भी जाना पड़ेगा ना, वो आईसीसी का इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो आईसीसी का इवेंट है, वो आईसीसी ने आपको 2025 की चैंपियन ट्रॉफी दी है ना, इंडिया 2025 में ना आया तो फिर बात करना, वो आईसीसी का इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल 3-4 टीमों की होती है, जितना आपने वैसे भी कोई नहीं होता। वो मुझे बता दो कितने एशिया कप जीते हुए, 2 एशिया कप जीते हुए अभी तक आप लोग, 7 इंडिया जीता हुआ है, 5 को श्रीलंका जीता हुआ है, 2 आप जीते हुए हो, अब कब एशिया कप जा रहा है, 2 एशिया कप आप जीते हुए हो, क्या किया हुआ है आपने, मुझे बता दो ना क्या किया हुआ है आपने तब का, ये फजूल बात ना किया करो जिस बात में लॉजिक ना हो। एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत है, पाकिस्तान ने लेजेंड पैदा किए स्क्वॉश में, आज कि तुम मत डरो पाकिस्तान में आने से, तुम मत डरो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से, तुम मत डरो। जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, जावेद मियांदाद ये नहीं कह रहा कि भाई साहब हम तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं ना, ये सब जावेद मियांदाद प्रॉमिस नहीं कर रहा, जावेद मियांदाद ये कह रहा है क्रिकेट टीम को, भारतीय क्रिकेट टीम को और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को, कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। दिस इज द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑफ पाकिस्तानीज। पहले यह है कि जावेद मियांदाद जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, उन्होंने बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने खास तौर पर इंडिया में बड़ी ही तफसीली गुफ्तगु फरमाई है। देखिए पहली एक बात जो उन्होंने कही है वो तो पहले मैं आपके सामने रख दूं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि इंडिया को आना चाहिए पाकिस्तान में खेलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो जिंदगी है वो तो अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है भाई, तो फिर इंडिया को जरूर आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा देखिए हम तो ऐसे ही समझते हैं जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो इंडिया को आना चाहिए खेलने के लिए, क्यों नहीं आना चाहिए। अच्छा सिर्फ इंडिया का ऐसा उल्टा सीधा, मैं सालों हद में रहो अपनी, नहीं तो मतलब आज अतीक का जो हाल हुआ है वैसा हाल कहीं 2-3 दिन में पाकिस्तान का कर दिया जाए, तो भाई क्रिकेटिंग यूनिवर्स का बॉस है इंडिया, और इंडिया के पैसों से तुम पल बढ़ रहे हो, क्रिकेट तुम पे कर रहे हो, क्रिकेट के लोगों को पैसे दे रहे हो इंडिया के पैसों से, और इतना चौड़ेबाजी कर रहा है कि तू इंडिया को चेतावनी दे रहा है, भाई साले तेरी औकात क्या, पाकिस्तान में तो जावेद मियांदाद की इज्जत नहीं है, और भाई तू इंडिया पे कमेंट कर रहा है, मतलब बचेगा नहीं अगर ये फालतू बयानबाजी है जब तक बंद नहीं करेगा ये, मतलब यार हजारों लाखों गालियां इसको डेली पाकिस्तान में पड़ती है, इंडिया से करोड़ों गालियां जाती है, अगर कितनी बद्दुआएं लेगा भाई, तू मर जाएगा, तुम्हारी इतनी बद्दुआएं ले लेके तो तुम रमजान मनाने लायक नहीं बचे हो यार, क्या मतलब फालतू बोल रहा है कि मतलब हमने जो बम वगैरह रखे हैं दिखाने लायक, हमें बस दिखाने के लिए नहीं है, इंडिया पे अटैक करने के लिए बम रखा है, भाई बम की फेरिस्त तो मतलब बात मत कर भाई, बम पे उड़ा देगा तुम्हें, मतलब बम पे बिठा के पूरा पाकिस्तान को फूंक देगा अगर इंडिया आ गया, भाई धमकियां नहीं देता इंडिया, जो करना होता करके दिखा देता है। खैर यार मियांदाद जैसे लोग निहायत ही बदतमीज किस्म के लोग हैं, और हालांकि नजम सेट्टी ने इंडिया से माफी वाफी मांग ली है,
कि भाई यहाँ कोलकाता में आ जाएंगे, चेन्नई में आ जाएंगे, आके कम हम जो है मैनेज करेंगे, टीम इंडिया की मर्जी हो चाहे आए ना आए। लेकिन यार ये मियां दाद जैसे लोग इंडिया को उकसाते हैं, फिर इंडिया कुछ इनके खिलाफ एक्शन लेता है तो फिर लगे हाथ रोने लगते हैं, आईसीसी को जाके दुआई देते हैं कि भाई इंडिया हमारे इधर ये क्रिकेट को बैन करवाना चाह रहा है, हमारे प्लेयर को आइसोलेट कर रहा है, हम पैसे नहीं पा रहे हैं, हमारे प्लेयर्स को अदर लीग में एंट्री करने पे इंडिया जो है रोकता है। खैर मियां दाद को तो सबक मिलेगा जरूर, विराट कोहली ने बल्ले से वर्ल्ड कप में इन पे दे ही दिया है उंगली, और अभी वर्ल्ड कप आने वाला है 2023 50 ओवर, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। खैर इसके लिए आप लोग को जुड़े रहना क्रिकेट तक पे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद जी।